सारंगपुर हनुमान जी के मंदिर पर, और यहाँ पे पंच धातु की मूर्ति का निर्माण हो रहा है। अराउंड 100 फीट ऊपर है ये, और ये कुछ देखो ऐसे इस तरह से मंदिर है, और कुछ इस तरह से यहाँ का एटमोसफियर। आज तो मेला लगा हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ आज टुडे इज अ सैटरडे, तो अगर आप आ रहे हो तो सैटरडे नेगलेक्ट करना, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी डे यहाँ पे भीड़ रहता ही है। बट जस्ट लुक एट द अराउंड द एटमोसफियर। हाँ, आ हनुमान दादा की मूर्ति है बेटा, प्रतिमा है हनुमान जी की। सो वी आर वॉकिंग अराउंड एंड गोइंग फॉर द दर्शन। सो जस्ट कीप वॉकिंग। कौन है अंदर है? अरे यार मेरी छोटी वाली अभी रोने लगी है यार, तपिश ज्यादा है अभी। आज गर्मी का पारा ऑलमोस्ट 37 डिग्री है। अक्टूबर का जो लास्ट वीक है वो भी इतना टफ है कि क्या बताऊं। तो ये देखो यार, व्हाट द हेक, जस्ट लुक एट दिस गाइस। अभी मैं इसको जूम कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ हाउ इट वाज। वाह, सो ये हो गया इसका जूम। सो वी आर वॉकिंग अराउंड, अभी मंदिर में जा रहे हैं। अभी फुल फैमिली के साथ में है, आधे लोग आगे जा चुके हैं और मैं अभी वीडियोग्राफी कर रहा हूँ। पर ज़्यादा क्रश है गाइज, अगर आ रहे हो तो कोई तिथि पर मत आना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। इवन टेक्स 1 आवर फॉर द प्रे। ए ए ए ए ए ए भाई मेडल दिया। तो गाइस कुछ ये है फ्रंट व्यू, एंड लुक एट दिस मूर्ति गाइस, ऑलमोस्ट 150 मीटर्स। पंचतत्व है, कॉपर आयरन स्टील गोल्ड सिल्वर। सो वी आर वॉकिंग अराउंड और जा रहे हैं मंदिर के अंदर। तो गाइज जैसे कि आपने देखा अभी हम लोग जा रहे हैं, क्रश ज़्यादा है अभी आज के दिन सैटरडे की वजह से, और इट इज फ्रिकिंग इरिटेटिंग बाय द सन, क्योंकि गर्मी ज़्यादा लग रही है। सो सब लोग एक जगह पे खड़े हुए हैं और रुके हुए हैं, ज़्यादा गर्मी है और हेयर स्टाइल भी चेंज हो चुका है यार, मतलब बिना इस्त्री के ही बाल स्ट्रेट हो गए मेरे। ये है जीजा जी के साथ में खड़ा हुआ अभी। सो मंदिर में तो आ चुके हैं बट अभी रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। पीछे आपको जैसे कि मैंने दिखाई है वो गाइस अभी जा रहे हैं मंदिर के अंदर प्रयाण कर रहे हैं। और ये देखो साथ में कौन है, डेनिसा, डेनिसा से हाय, हाय कर दो। सो यार गाइस अभी जा रहे हैं अंदर, और ये काठमांडू जैसा नहीं दिख रहा है, काठमांडू का जो टेंपल रहता है उसके जैसा। ओके, सो ये है कष्टभंजन देव का मंदिर, जैसा कि आप देख पा रहे हो बनावटी कुछ ऐसी है। और ये देखो जैसे काठमांडू में आए हो नेपाल में आप आ चुके, ऐसा फीलिंग होगा आपको, क्योंकि उसके जैसा ही कुछ बनाया हुआ है। मैं तो नेपाल नहीं गया हूँ बट हाँ, धर्मशाला और सामने इतनी बड़ी धर्मशाला है कि आप 10,000 इंसान भी स्टे कर सकता है अगर वन टाइम में अगर कोई आ जाता है तो। सो नाउ वी आर गोइंग इनसाइड। दिस वे, हाँ
देनू हाथ पकड़ दे। सो गाइस वी आर गोइंग इनसाइड द टेंपल और जैसे कि आप सब देख रहे हो फैमिली के साथ में हूँ। ये मेरी छोटी बच्ची टंपल कटे होता है सो गाइज आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं अभी अंदर जा रहा हूँ आफ्टर लॉन्ग टाइम 12 साल के बाद यहाँ पे आ रहा हूँ और विथ माई डॉटर्स एक नहीं तीन है सो तीनों के साथ में आज जा रहे हैं अंदर और दिस इज फ्रिकिंग क्रेजी यार। मैं आपको भीड़ दिखाता हूँ कैसा है। आज छोकरी ने क्या करूँ तो डेनिसा मेरे साथ में है अभी और जस्ट लुक एट दिस भीड़ यार लुक एट दिस भीड़ दिस विल मेक यू क्रेजी। मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया आप सबको कि क्या है दिस इज द फ्रिकिंग क्रेजी भीड़ आला भीड़ है क्योंकि ट्रैफिक भी ज़्यादा और पब्लिक क्रश भी ज़्यादा है। सो आई एम गोइंग विद द फैमिली ट्राई करूँगा कि उनके बीच में ही रहूँ बट अगर इन केस बाय चांस अगर मैं नहीं रह पाता हूँ तो आई न्यू कि मुझे कहाँ पर रहना है। सो आई एम वॉकिंग अराउंड एंड लुकिंग फॉर अ स्पेस के जहाँ पे अंदर जाने का थोड़ा मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो यहाँ फ्रंट व्यू कुछ इस तरह से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो कुछ भगवान के इस तरह से वो LCD पे दर्शन भी हो रहे और आप देख पा रहे हो और आज भगवान का अंकुट लगा हुआ है तो देखिए आप। कहना बांधो नहीं बेटा पब्लिक क्रश देखो गाइस यार पब्लिक क्रश देखो यहाँ पे अंदर जाने के लिए स्पेस ही नहीं है। सो दिस इज फ्रिकिंग क्रेजी बट आई एम रियली एक्साइटेड टू गो इनसाइड एंड भगवान के दर्शन के लिए वेट कर रहा हूँ यार जस्ट। गाइस पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो चुका है और जय श्री राम के नारे लग रहे तो यार दिस इज फ्रिकिंग क्रेजी। सो वहाँ पे LCD पे भी आप दर्शन कर सकते हो अगर आपको दर्शन करना है तो आपके लिए जूम कर दे रहा हो आप लोग भी कर ही लेना अगर अंदर कैमरा अलाउ करते हैं तो मैं फ़ोटो वगैरह खींच लूँगा एल्स आई डोंट हैव अ चॉइस क्या करूँ। अभी 20 मिनट की आरती होने वाली है उसके बाद गेट खुलेंगे और हम लोग जाएंगे उनके दर्शन करने के लिए। तब तक वी हैव टू वेटिंग हियर और मेरी बच्ची को ऊपर बिठाया हुआ है मैंने सो जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। सूरत हाल बिगड़ चुका है मेरा और मैं अभी थोड़ा टायर्ड भी फील कर रहा हूँ क्योंकि शी इज सिटिंग ऑन माई शोल्डर। वैसे तो कोई वेट नहीं है इसका बॉडी वेट इतना कुछ खास नहीं है बट 12-15 किलो तो है तो दुख तो जाता है यार शोल्डर। दिस इज फ्रिकिंग क्रेजी। प्रभु परिश्रम वगैरह परिणाम ना मिले भाई भगवान ना मरू तो रात वो भी पड़े बहुत गर्मी है यार बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है हम दोनों तप गए यार क्यों लागे सर क्यों लागे क्या तो खरी साल तेन क्यों लागे मंदिर में उसको तो अच्छा नहीं लगा ये पूरा जो भीड़ देखी है मैंने उसको तो अच्छा नहीं लगा। अरे हनुमान जी का मंदिर छे अच्छा भाई
वी आर वेटिंग यार, गजब मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। लाइन में खड़े हुए और अंकल जी भी पीछे सपोर्ट सिस्टम बना के रखी हुई है। आरती चालू हो चुकी है और हम दोनों तो जो सैंडविच के बीच में आलू मटर आ गए वैसी हालत हो चुकी है। सो अंदर जा रहे धीरे 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 धीरे, लग भाई चलो अंदर जा दे लूँ, होल्ड मी टाइट, हाँ पीट पकड़ जा पप्पा ने, ओके। सो आरती चालू हो चुकी है और हालत खराब हो रही है हम लोग की, अच्छा भी लग रहा है ऐसे क्योंकि वी आर लकी दैट के अटेम्प्ट कर पा रहे आरती। सुबह से 7 बजे से निकले थे और अभी पहुँचे लगभग 11 के आसपास, तो अच्छा लग रहा है और आरती हो रही है। अभी आपको एटमोसफियर दिखा दो, बहुत मज़ा आएगा, देखो क्या एटमोसफियर हो गया। धक्के में अंदर और एक धक्के में बाहर हो जाएंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है यार डिफिकल्ट हो रहा है सबका। और ये एटमॉस्फेयर आपको दिख रहा है पीछे का, अभी दर्शन तो करने दो। सो गाइस बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, भूल में रख के पूरा टाइम अभी लगभग आधा घंटा हो चुका है और पहले तो मुझे मुँह हाथ पर धोना पड़ेगा, बट बिफोर दैट आई एम गोइंग टू इनसाइड एंड आई एम क्यूरियस एंड एक्साइटेड टू गोइंग इनसाइड एंड भगवान से प्रे करना है। और विचार ये भी मैन हूँ, थकी गई अभी, ये नहीं थकी, मैं थक चुका हूँ, तो वो मेरे शोल्डर पे ही थी। तो ये देखो गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है यार, सॉरी गाइस, जो कैमरा ग्लिचेस हो रहे हैं उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, बट अभी मैं हैंकी भी नहीं ले सकता हूँ प्रेशर को साफ करने क्लीन करने के लिए, बट अच्छा लग रहा है यार, पूरा सांस्कृतिक माहौल हो चुका है यार। भगवानमय वातावरण हो चुका है गाइस एज एक्सपेक्टेड और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, 10-12 साल के बाद आ रहा हूँ। जय श्री राम। फाइनली गाइस एंट्रेंस तक आ चुके हैं और यहाँ से मंदिर ज्यादा दूर नहीं है, वैसे भी दूर तो कभी था ही नहीं यार, फार्ली क्लोज ना,
में एक पैर आगे जा रहा है। डिफिकल्ट हो रहा है यार, डिफिकल्ट हो रहा है। कांड अंदर जा रहा हूँ। फाइनली कुछ ऐसे दर्शन हो जाएंगे आप लोग को, मेरे तो नहीं हो पा रहे, आप लोग देख लो। जय श्री राम, क्या बात है भाई, जय जय हनुमान। लोग के शक्ति के लिए तरस रहे। और मैं जा रहा हूँ अंदर दर्शन के लिए। शायद अब मुझे मोबाइल रखना पड़ सकता है, बट आप लोग को दर्शन करवा दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।